गाइस स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम आपको सुल्तानगंज से देवघर ले चलेंगे, जहां आपको दिखाएंगे देवघर के बारे में, देवघर बाबा मंदिर के भव्य आरती के बारे में और क्या कुछ हुआ हमारे साथ, तो सारी चीज आपको बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। पिछले वीडियो में हमने आपको सुल्तानगंज के बारे में दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शाम के लगभग 4 बज चुके थे, हम लोग सुल्तानगंज से आगे बढ़कर बाबा नगरी देवघर पहुंच चुके थे। सबसे पहले स्वागत के लिए हमें मिल गया नगर निगम के नुमाइंदे, जिन्होंने तुरंत बिना किसी देरी के 50 रुपए का पर्ची काट दिया पार्किंग के लिए। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले शिवगंगा यानी छोटी गंगा के नाम से मशहूर ये नहर हमें दिख गया। वर्तमान समय में यह नहर पानी से लबालब भरा हुआ था, जो कि अमूमन गर्मियों के दिन में पानी नहीं होता, सूख चुका होता है, लेकिन आज हम लोग का नसीब काफी अच्छा था। सबसे पहले गाड़ी नगर निगम पार्किंग में लगाने के बाद लगेज बगेज लेकर सब परिवार हम लोग आगे बढ़े पांडा बाबा के घर की ओर। क्योंकि पांडा बाबा के घर में लाइट की कमी होने के कारण वीडियो शूट नहीं हो पाए, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग आ गए मार्केट, मार्केट में रात के खाना पैक करवा लिए और पैक करवाने के बाद रूम में रख दिए। समय लगभग 7:45 हो चुका था। बिना किसी देरी करते हुए हम लोग निकल गए सीधे बाबा मंदिर की ओर, जहाँ आरती प्रारंभ हो चुका था। अंदर आरती देखना अपने आप में किसी रोमांचक से कम नहीं था। लगभग हजारों की भीड़ में हम लोग भी शामिल हुए आरती देखने के लिए, काफी अच्छा महसूस हो रहा था। मंदिर के अंदर क्या कुछ हो रहा था, इसका सीधा प्रसारण मंदिर के बाहर लगे बड़े से स्क्रीन में हो रहा था। आरती का समय शाम 7 बजे से प्रारंभ होकर लगभग 8:30 बजे तक चलता है। अगर आप भी कभी बाबा मंदिर आते हैं तो आरती मिस मत करिएगा, क्योंकि यह आरती बहुत ही भव्य आरती होता है। होने के बाद सीधे हम लोग पांडा बाबा के घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में कुछ शॉपिंग हम लोग रात में ही कर लिए थे। इसके बाद पांडा बाबा के हिदायत के अनुसार हम लोग जल्दी सो गए, क्योंकि हमें सुबह 3 बजे उठना भी था और सख्त आदेश हमें दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग 4 बजे तक लाइन लग जाना है। आते समय हमें एक दुकान में पेड़ा बनते हुए दिख गया। यह पेड़ा बनते हुए देखना काफी अच्छा लग रहा था, सेटिस्फाइंग तरीके से पेड़ा बनाया जा रहा था। ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा ये घूम रहा था और अंदर आग का भट्टी था, इस तरह से पेड़ा को अच्छे से बनाया जा रहा था और निकालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया और इसे हाथ से मैनुअली पेड़ा का शेप आकार ढाल दिया गया। पांडा बाबा के आदेशानुसार हम लोग सुबह 3 बजे तो नहीं उठ पाए, लेकिन 3:30 बजे तक उठ गए थे। उसके बाद तुरंत फ्रेश होके चल गए शिवगंगा में डुबकी लगाने के लिए। शिवगंगा में डुबकी लगाने के बाद बिना किसी देरी के चेंज की और हम लोग आ गए बाबा मंदिर में लाइन लगने के लिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि पांडा बाबा हमें क्यों रात के 3 बजे उठने के लिए कह रहे थे, क्योंकि व्यवस्था इस तरीके से है कि अगर आप 15 मिनट का लेट करते हैं, इसकी कीमत आपको 1 घंटा लाइन लग के चुकाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर के अंदर जो लाइन लगने की व्यवस्था है वो बनाई गई है। अंदर स्टील का रेलिंग से अलग अलग लाइन बनाया गया है एक ही हॉल में बार बार घुमाते हुए, तो कम हमें समय रुकना पड़े, इसलिए सुबह सुबह लाइन लगे। उसके बाद थोड़ा सेल्फी लेने का, मोबाइल को ऑफ कर दिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग पूजा में कंसंट्रेट करने लगे और लगभग 6:30 बजे तक हम लोग का पूजा कंप्लीट हो चुका था। मंदिर में जल चढ़ाने के बाद हम लोग आ गए मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार के पास, जहां से बाबू का मुंडन के लिए 251 रुपया का मुंडन टोकन लेना पड़ा। मुंडन को टोकन लेने के बाद चल गए मंदिर के अंदर, जहां ठाकुर जो है बाबू का मुंडन कर रहे थे। मुंडन के दौरान सबकी नानी याद आ गई, क्योंकि बाबू जिस तरीके से रो रहा था सबको हिला के रखा था। किसी तरह मुंडन संपन्न हुआ, उसके बाद सर पे चरणामृत देने के बाद बाबू को फिर से नहलाए, उसके बाद नए कपड़े पहनाए, लेकिन फिर भी ये रो ही रहा था। इसके बाद हम लोग अग्रसर हुए मुख्य मुंडन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग आगे बढ़े यहाँ का मुख्य पूजा की ओर, जिसमें प्रमुख शामिल था बाबा मंदिर से लेकर माँ पार्वती के मंदिर तक डोरी चढ़ाना। कहा जाता है कि जब तक आप डोरी नहीं चलाते हैं तब तक आपकी पूजा बाबा धाम में संपन्न नहीं होती, तो इसी पूजा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बिना देरी किए फटाफट से डोरी ले आए, जो कि मुख्य द्वार सिंह द्वार के पास दुकान था, वहां से ले आए। उसके बाद पांडा बाबा की सहायता से हम लोग इस डोरी को आगे खींच रहे थे। इस प्रकार पूजा हम लोग का संपन्न हो गया। पूजा समाप्त होने के बाद 2-4 फोटो क्लिक किए, उसके बाद आ गए फिर से पांडा बाबा के रूम में,
जहाँ पांडा बाबा के रूम आने के बाद सबसे पहले हम लोग परंपराओं के अनुसार दही चूड़ा खाएं, और दही चूड़ा खाने के बाद हम लोग निकल गए फिर से आगे के सफर की ओर। जहाँ हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले त्रिकूट पर्वत, वहां से जाएंगे बाबा बासुकीनाथ मंदिर की ओर। कहा जाता है कि जब तक आप बासुकीनाथ मंदिर में जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक आपका बाबा धाम आना संपन्न नहीं होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आगे बाबा बासुकीनाथ मंदिर की ओर। समय लगभग 10:30 बज चुका है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बाबा बासुकीनाथ मंदिर की ओर। लेकिन सबसे पहला पड़ाव हम लोग का नौलखा मंदिर होने वाला है, क्योंकि यह बाबा मंदिर से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। वीडियो काफी लंबा होने के कारण नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे हम लोग नौलखा मंदिर में क्या क्या किए, कैसा है मंदिर और किस तरह फिर आगे जाएंगे बाबा बासुकीनाथ मंदिर की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और कमेंट करके आप भी बताएं कि आप गए हैं